हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा सैमसंग के मोबाइल में आपको मल्टी विंडो का ऑप्शन मिलता है ये कह सकते हैं मल्टीटास्किंग का ऑप्शन मिलता है स्प्लिट व्यू के फॉर्म में और कह सकते हैं पॉपअप व्यू के फॉर्म में बट होता क्या है दोस्तों ये दोनों फीचर स्प्लिट व्यू और पॉपअप व्यू कुछ ऐप सपोर्ट नहीं करती तो वहाँ पर आप उनको स्प्लिट व्यू में और पॉपअप व्यू में ओपन नहीं कर सकते या कह सकते उस पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते दोस्तों बट आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ऐप्स आपकी पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यूप सपोर्ट नहीं करती उनको भी आप पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यू में खोल पाएंगे दोस्तों तो वीडियो स्किप मत करेगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में मल्टी विंडो में खोल पाएंगे सभी ऐप्स को या कह सकते हैं पॉपअप व्यू या मल्टी विंडो में आप खोल पाएंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर मैंने की टैब खोल ली है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारी यहाँ पर ऐप्स खोल के रखी हुई हैं तो मैं आपको एक को एक करके बताता हूँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास गैलरी की ऐप खुली हुई है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये यह यहाँ पर दोनों जगह ऑप्शन आ रहे हैं ओपन इन स्प्लिट व्यू एंड ओपन इन पॉपअप व्यू में दोनों में इसको ऑन कर सकता हूँ ऐसे ही अगर मैं यहाँ दूसरी ऐप में आऊँगा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरे को दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं पॉपअप व्यू और स्प्लिट व्यू दोनों में यहाँ पर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और ये आप देख रहे हैं ये मैसेज में भी आपको ये ऑप्शन मिल रहा है बट कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो ये सपोर्ट नहीं करती लाइक ये इंस्टाग्राम ऐप तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ना कि मुझे स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिल रहा है ना कि मुझे पॉपअप व्यू का ऑप्शन मिल रहा है बट हमें यही वाली ऐप हमें तो चलानी है भाई इंस्टा हमें तो पॉपअप मोड में या क्या बोलते हैं स्प्लिट व्यू में हमें तो खोलना है और यही वाली ऐप ही खोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग पे मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शन अगर ये आपके पास इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना होगा अबाउट फोन में जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जाना है अबाउट फ़ोन में तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जाना है अबाउट फोन में अबाउट फोन में जाने के जाना है आपको सॉफ्टवेयर इनफॉर्मेशन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपको यहाँ बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सेवन टाइम प्रेस करना है तो आपको यहाँ पर निक जाएगा और ये आपका यहाँ पर, पर एनेबल हो जाएगा अगर आपसे तब भी नहीं हो तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पूरे प्रॉपर बताया हुआ है तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे डेवलपर ऑप्शन पे यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा बैक यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल आपको दिख रहा होगा फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल अगर आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च में जाना होगा यहाँ पर सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है रिसाइजेबल तो आप यहाँ पर रिसाइजेबल लिख लेंगे तो ऑटोमेटिक वो जल्दी से सर्च हो जाएगा और आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर ये यह लिख लिया है और आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिल गया है फोर्स एक्टिव टू बी रिसाइवेबल जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बाई डिफ़ॉल्ट आपको वहीं पर ले जाएगा और आपको इसको करना क्या है इसको यहाँ से ऑन कर लेना है ऑन करने के बाद जब यहाँ पर बाहर आएंगे और वापस आप होम स्क्रीन खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ऐप आपकी यहाँ पर सपोर्ट करने लग गई और आप इजीली इसको स्प्लिट व्यू में आप देख रहे होंगे स्प्लिट व्यू में भी खुल गया है बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर एरर ज़रूर देगा बट चलेगा अच्छा उसके बाद जब आप इसको पॉपअप व्यू में भी खोलना जाएंगे तो अब ये पॉपअप व्यू में भी आपका यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा आपको एक बार यहाँ से एरर दिखाएगा बट यहाँ पर ये यह यूज़ होने लगेगा आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं इसको इजीली यहाँ पर जैसा भी करना चाहूँ तो इंस्टाग्राम को कैसे भी करके इसको यूज़ कर सकता हूँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत ईजिली मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है उसमें तो मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा और हो सके दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना हो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू दोस्तों